हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहां पे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों ही क्वेश्चन बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ा एनालिसिस करना है। यहां पे आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई है इन क्वेश्चंस में, तीनों ही क्वेश्चंस में आपको सिचुएशन दी हुई है और ये आपसे पूछा गया है कि क्या ये सिचुएशंस पॉसिबल हैं। तो आपको जो कंडीशंस दी गई है, जो सिचुएशन दी गई है, उसके हिसाब से आपको इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोल्ड करना है और फिर सोल्व करके चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है, इसमें कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। आम की बगीची, एक आम का बाग रेक्टेंगुलर टाइप का बनाना है। और क्या है इसमें, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। और जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो। तो यहां पे एक आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत सिंपल और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, एक रेक्टेंगुलर आम की आम का बगीचा हमें बनाना है। हम लिख देते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है और इसमें कहा गया है हूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अब देखो जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, तो ब्रेथ को हम अगर एक्स मान लें तो लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। तो इसको एक्स मानना, तो ये हमारे पास 2x हो गया। तो हम क्या करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, इसको हमने मान लिया एक्स मीटर। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, क्योंकि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की, तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2x मीटर। अब और क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव ये है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया गिवन है, हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है, तो हमें पता है कि एरिया कितना होता है। यहां पे हमारे पास हम लिख सकते हैं कि एरिया अगर 800 मीटर स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर के केस में, एल इंटू बी। ये किसके इक्वल है, 800 मीटर स्क्वायर के। एल की वैल्यू हमारे पास 2x है, बी की हमारे पास वैल्यू x है, तो ये 800। तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2। तो यहां पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे तो 400 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां पे जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर हम प्लस माइनस लगा देते हैं, तो ये 400।
तो x 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 20। अब दो वैल्यूज हमें मिली, एक तो क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टू वैल्यूज मिलेगी, एक तो 20 और एक -20। तो -20 को तो हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग एक्स इज इक्वल टू -20। रीजन आप लिख देंगे कि जो लेंथ है, जो साइड है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हमारे पास x आ गया कितना 20। सो x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई। हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 20 है तो 2x की वैल्यू 40 आ जाएगी। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, ये हमारे पास आ गया x यानी के 20 मीटर्स और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव ग्रो, ये हमारे पास 2x है यानी कि 2 × 20 यानी के 40 meters। तो हमारे पास आंसर आ गया 20 and 40, ये हमने लिख दिया। अब यहां पे पूछा गया इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, क्या ये पॉसिबल है? देखो ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर, लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर, इसका डबल हो गया, एरिया करेंगे एल मल्टीप्लाइड बाय बी, 800 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। इस कंडीशन के हिसाब से एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन करना, बनाना, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की 2x है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, वो बनाना पॉसिबल है। तो मेरे मित्र ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। काफी सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? एक सिचुएशन दी गई है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करना है, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम 20 इयर्स है। टू फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का जो सम है वो 20 इयर्स है। एक कंडीशन हमें यूज कर ली, 4 इयर्स पहले यानी कि 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स वाज 48, और 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो ये सिचुएशन क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? अब आप देखो कितने फ्रेंड हैं, टू फ्रेंड्स, नाम तो हमने यहां पे नहीं दिए गए, तो हम टू फ्रेंड्स को ए और बी मान सकते हैं, राम एंड शाह मान सकते हैं, या फर्स्ट और सेकंड लिख दो आप। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड दैट इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, जो दो फ्रेंड है उनमें से फर्स्ट फ्रेंड और सेकेंड फ्रेंड हमने लिख दिया। अब देखो दोनों की एज का जो सम है वो 20 इयर्स है। अब फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर 17 है तो सेकंड की कितनी होगी 7, फर्स्ट की अगर 10 है तो सेकंड की भी कितनी होगी 10, फर्स्ट की अगर 14 है तो सेकंड की कितनी होगी 6, फर्स्ट की अगर 9 है तो सेकंड की कितनी होगी 11, इन दोनों का जो सम है वो 20 आना चाहिए। तो फर्स्ट की अगर x है, देखो फर्स्ट की अगर 13 है
तो 20 में से इसको माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। फर्स्ट की अगर 10 है तो 20 में से माइनस कर दोगे 10 आ जाएगा। 14 को 20 से माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। 9 को 20 में से माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। तो x को 20 में से माइनस कर दोगे तो सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी। अब ये उनकी प्रेजेंट एज है। एक बात और कही है, 4 इयर्स एगो, तो 4 इयर्स एगो भी कर लेते हैं। 4 इयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो क्या होगी? 4 साल पहले, जिसमें से 4 कम कर देते हैं, एक्स माइनस 4 इयर्स। इसी तरह से 4 इयर्स एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी? इसमें से भी हम 4 माइनस कर देते हैं तो 20 माइनस x माइनस 4, यहां से हमारे पास 20 माइनस 4 आ जाएगा 16 माइनस x ईयर्स। तो देखो जी, दो कंडीशन दी गई थी, एक तो 20, ये हमने यहां पे यूज कर ली, दोनों का सम 20 बनता है, और 4 इयर्स एगो 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 है, ये रह गया। अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज थी x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की एज थी 16 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? 48 के, जो कंडीशन है उसके हिसाब से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x की 16 के साथ हमारे पास आ गया 16x, x की माइनस x के साथ माइनस x की है, माइनस 4 की माइनस 16 के साथ 64, और ये प्लस के 4x, दैट इज इक्वल टू 48। तो यहां पे हमारे पास हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, दैट इज इक्वल टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 48, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इसको भी हम इधर ले आए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस ये 12 से 2 10 और 1 11, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, तो पूरे के साइन चेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम पहुंच गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टर सोचने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो आप सीधा ही क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें क्या होता है, डी मिल जाता है और डी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है, जो रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं वो आ जाते हैं। तो अगर आप सोच सकते हैं कि इसका सम इतना है और इसका जो प्रोडक्ट है वो इतना है, तो उस तरह से कर लें, और नहीं तो आप फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लें। अब यहां से अगर हम कंपेयर करें इसमें, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू है माइनस 20 और c की वैल्यू है 112। तो d हम निकालें तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d हमारे पास आ जाएगा b है हमारे पास माइनस 20, इट्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, सी है 112, तो d इज इक्वल टू 400 माइनस, ये हमारे पास माइनस 20 का स्क्वायर तो 400 आ गया, ये माइनस 4 1 और 112, तो 4 की 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, 4 की फिर इसके साथ करेंगे तो ये 448 आ गया। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, माइनस 48, ये तो नेगेटिव आ गई, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। हम लिखेंगे सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट
एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, यहां से कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप 10+1 क्लास में पढ़ोगे, तो यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये आपके क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब जो ये सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझना है, यहां पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या बेनिफिट हुआ, यहां आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता फैक्टर सोचने में, क्या क्या टुकड़े बने कि सम इतना हो और प्रोडक्ट इतना हो, वो तो है ही नहीं है, जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो बने ही कैसे, आप अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, इसमें अपने आप ही पता चल जाता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पे क्योंकि नेगेटिव आ गया सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब इसने पूछा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हम लिखेंगे नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरह से एक और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो इसमें कहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना। तो हम यहां पे एक रेक्टेंगुलर डिजाइन बना लेते हैं, यहां पे हम एक रेक्टेंगुलर डिजाइन बना लेते हैं, अब लेंथ और ब्रेथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं और ब्रेथ को हम वाई मान लेते हैं, तो ये एक्स मीटर और ये वाई मीटर, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क हम क्या लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये हमने मान ली एक्स मीटर, इसी तरह से एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क ये हमने मान ली वाई मीटर, और क्या गिवन है पैरामीटर गिवन है, तो यहां पर ले देते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है हमारे पास, ये है 80 मीटर। पैरामीट्रिक रेक्टेंगल का क्या होता है 2 × L+B, ये पैरामीटर होता है और ये किसके इक्वल गिवन है 80 के, 2 ये हमने x माना और ये हमने y माना है, दैट इज इक्वल टू 80, x + y = 80/2, x + y = 2 पे कैंसिल करेंगे तो 40 आ जाएगा, अभी छोड़ देते हैं यहां पे इसको, और क्या गिवन है एरिया गिवन है, तो अब हम यहां लिख देते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया गिवन है, और एरिया क्या होता है L × B इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, एल हमारा एक्स है और बी हमारा वाई है, तो ये हमारे पास है 400। अब देखो हम क्या करते हैं, यहां से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से हमारे पास जो वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 40 − x, यहां पहुंच गए,
अब ये y की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर वन दे सकते हो, यहां पे इक्वेशन नंबर टू, और इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं। अब लिख देंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री में हमने पुट कर देते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास x इंटू वाई की वैल्यू है 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 400, तो ये आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400, इसको भी हम इधर ले आए तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 दैट इज जीरो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अब आप साइन चेंज कर ले, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 दैट इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 दैट इज इक्वल टू जीरो, ये तो दिख ही रहा है, तो सम माइनस 40 और प्रोडक्ट कितना है 400, 20 की 20 के साथ करेंगे 40 भी हो जाएंगे और मल्टीप्लाई 400 की, हमें माइनस 40 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 दैट इज इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 जब कॉमन लेंगे तो x और ये माइनस के 20 हो जाएंगे, क्योंकि 20 की 20 के साथ करेंगे तो 400 होता है, तो x माइनस 20 और ये भी x माइनस 20 दैट इज जीरो, तो यहां से सोल्व करेंगे x माइनस 20 इज जीरो, यहां से सोल्व करेंगे x माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 20 x इज इक्वल टू 20 दोनों ही जो रूट है वो सेम है, मीन्स अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आती, जीरो आती, तो इससे दोनों रूट हमारे पास इक्वल मिल जाते। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई यानी कि लेंथ की वैल्यू आ गई, तो लेंथ की वैल्यू आ गई तो हम क्या करते हैं, विड्थ की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, कहां निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थ्री, नहीं सॉरी टू है, इन इक्वेशन टू, तो x की वैल्यू टू में पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 माइनस 20 यानी कि 20, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते हैं सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट दैट इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर्स और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दैट इज ये भी 20 मीटर्स। अब आप चेक कर ले, देखो मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्क है एक्चुअल में वो स्क्वायर टाइप का है, तो ये हमारे पास 20, ये हमारे पास 20, ये हमारे पास 20, ये भी 20, सारे ही 20 है, तो जब इसका पैरामीटर हम निकालेंगे तो इन सारी साइड्स को जोड़ देते हैं 20 और 20 40 60 और 20 80, तो पैरामीटर 80 हो गया, एरिया क्या होता है 2 इंटू एन प्लस बी में रख लो, तो 2 इंटू 20 प्लस 20 20 प्लस 20 40 इंटू 2 80, और एरिया है हमारे पास 400, 20 की 20 के साथ करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो सेटिस्फाइड है कि तो यस, इसने पूछा था कि इज इट पॉसिबल, हम लिख देंगे इट इज पॉसिबल, पहले बच्चों एक बार इसका फ्रेम चेक कर लेते हैं पूरा आया हुआ कि नहीं, ओके ठीक है बिल्कुल सही आया हुआ, तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है, तो यहां पे तीनों ही काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनालिटिक क्वेश्चन है, आपको विश्लेषण करना है, सोचना है कि क्या ये सिचुएशन बन सकती है या नहीं, तो हमने यहाँ पे जैसे जो फोर्थ क्वेश्चन था उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो रही है तो मुझे पता है
मैंने जब उसको कर रहा था तो मैंने माइंड में सोच लिया था कि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, और आपको थोड़ा सा इसमें समय लगेगा लेकिन आपको भी समझ में आ जाएगी। एक दो बार जब आप फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे केस में फैक्टर नहीं बनेंगे, फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला शिफ्ट करोगे। और यहाँ हमें साफ ही नजर आ रहा है कि 40 और 420 और 20 से हमारा काम चल जाएगा, तो इस वजह से हमने सीधा ही फैक्टर मेथड से इसको कर लिया। आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर ले, डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो दोनों ही रूट इक्वल आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर 4 है, जो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर 3 के साथ साथ चैप्टर 4 भी बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये कवर हो जाता है दोनों ही चैप्टर में। थर्ड चैप्टर की अगर बात करें, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं, ये बहुत सारे दूसरे जो टॉपिक हैं उनके अंदर भी हमें ये सोल्व करने पड़ते हैं, उनके अंदर भी इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट दोनों ही टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।